जाति आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये देश भर में हो। अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनकी जीत है तो देश में कराएं जाति जनगणना। किसकी सरकार है, किसने रोका? हम लोग तो सहमत है। जाति आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे, उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं, अब गरीबों के रास्ते खुल गए। देखिए, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है और जो महागठबंधन सरकार का जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। काफ़ी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो बैकबेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की, तो जब कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, जातीय आधारित गणना, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन यहाँ जो सर्वे कराया जा रहा था, उस आधार पे स्थिति जो है स्पष्ट होगी। सबको पता चलेगा कि कौन सी जाति में कितने लोग जो हैं गरीब हैं, और उसी हिसाब से जो सरकार जो है योजनाएं बनाने का काम करेगी और उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। और मेरे ख्याल से भाजपा के लोग लगातार बेचैन थे इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना जो हो रही है उसको रोकने का काम किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दोनों ने मिलकर के इस काम को जो है अंजाम देने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक चीज़ को बारीकी से इस चीज़ को देखा है कि अदालत में कैसे क्या क्या चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी करेगी तो हमारी जीत है, हम तो शुरू से ना बीजेपी है तो भाई देश भर में करे ना लागू। अब तो हम तो मांग कर रहे हैं, जो बिहार में हो रहा है अब तो देखिएगा, इतना बड़ा निर्णय हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है। अब दूसरी जो राज्य हैं, अब वो भी जो है इसी आधार पर जो है जाति आधारित गणना जो है वो कराने का काम करेगी। लेकिन भारत सरकार तो सक्षम है जाति जनगणना कराने में, और आपको भी पता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जो है विधानमंडल के सदस्य जा कर के मिल के आए थे तो मना कर दिया गया। कई बार भाजपा के मंत्रियों ने लोकसभा में स्पष्ट जवाब दिया है कि नहीं कराएंगे वो, और यहाँ भी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को खड़ा करके कोर्ट में जो बदमाशियाँ की गई वो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। हर जाति में लोग गरीब हैं, ये हम लोगों का मानना है, और हर जाति को फायदा होगा इससे। ये जो निर्णय है ये बिहार हित में लिया गया है। हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में हो ताकि लाभ जो है पूरे देशवासियों को मिले, और अब तक देखिएगा कोई पहल जो है केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जनगणना का नहीं किया जा रहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये देश भर में हो। अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनकी जीत है तो देश में कराएं जाती जनगणना। किसकी सरकार है, किसने रोका? हम लोग तो सहमत हैं।